हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। है क्या ये? अगर आपने 250 किलोवाट का अपने गांव की खेत सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया जिसके लिए 4 बीघा जगह की जरूरत होती है, सिर्फ 4 बीघा, और उस पर खर्चा कितना आता है? 1 करोड़ के करीब आता है। खुद का अगर घर में अपने आप काम देखोगे तो उससे भी कम आता है। 1 करोड़ में अब 40% यहाँ उपलब्धता है, जो सूर्य की किरणों की उपलब्धता उसके आधार पर 15 लाख रुपया उसको साल का पड़ेगा। और जब उसको 15 लाख रुपया साल का मिलेगा तो 4 लोन होगा हो जाएगा, और उसके बाद उसे 5 साल अगले 5वें साल वो 15 लाख रुपया हर साल हर महीने 1-1.5 लाख रुपया मिलना शुरू होगा। 250 किलोवाट पर 1 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं आज की तारीख में वो 4 करोड़ का लगता है, पर अभी कुछ रेट बढ़े तो 4 करोड़ रुपए में उसको साल का 60 लाख रुपया मिलेगा। और कितने किनाल जगह पर मिलेगा, कितने बीघे? 15 बीघे जगह में 1 मेगावाट लगेगा। मैं ये विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं ताकि पता लगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब उसको 15 लाख यूनिट होगी तो 60 लाख रुपया उसको हर साल मिलेगा। अगर 4 करोड़ रुपए में लगता है तो हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 1 करोड़ 60 लाख रुपए। हमारे कई साथी है यहां से काफी दूर 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए जाते हैं। 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया लगेगा 2 बीघे में। 2 बीघे में 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया साल की इनकम होगी। जो बिजली की जो सूर्य की किरण है ना, उसकी क्वालिटी यहाँ अच्छी है, इसलिए हिमाचल के लोगों को इसमें जाना चाहिए। हम डरते इसलिए कि हम लोन नहीं लेते, लेकिन आपकी सोवरन गारंटी जो है वो हम मैंने अभी विचार विमर्श करना है, हो सकता आने वाले समय में वो सरकार उपलब्ध करवाए। तो आपके गांव में जो जगह है, कई लोगों ने छोड़ दिया खेती करना, कई लोगों ने इसलिए भी छोड़ दिया कि जंगली जानवर आके उस खेती को उजाड़ देते हैं। तो जब 4-5 साल बाद आप उसको लोन फ्री हो जाएगा, उस आधार पर आप अपनी आय और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हम रोजगार के द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट और ग्रीन स्टेट के माध्यम से लाए। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं। अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जब अपनी डीजल इंजन की बस खरीदता तो वो 35 से 40 लाख में पड़ती है। अब जब 35 से 40 लाख में पड़ती है, वो इलेक्ट्रिकल बस में क्यों जाएगा? और जब इलेक्ट्रिकल बस में उसको जाना होगा तो वो 80 और 90 लाख रुपया क्यों खर्चेगा? तो 80 और 90 लाख रुपया खर्च करने के लिए कि उसको इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना है, हमने 50 लाख रुपया पर इलेक्ट्रिकल बस पर परिवार ये देने का प्रावधान किया है। उसमें क्या फायदा होगा उसको? उसमें उसका रोज की बिजली चार्जिंग 500 रुपए की लगती है और 200 किलोमीटर में 4000 रुपए का डीजल लगता है, उससे उसके आय की
साधन भी बढ़ेंगे और सामर्थ्य हो जाएगा। इसी तरह हमारे इतने ट्रक्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल ट्रक्स में ये 3 साल हम चाहेंगे कि सारा कन्वर्शन हो। इलेक्ट्रिक ट्रक्स का 80 लाख का ट्रक आता है तो उसमें भी हम 50 लाख का अनुदान दे रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन है, अब 8 रुपए पर यूनिट चार्जिंग स्टेशन पर यूनिट बिजली चार्ज के लगते हैं, ये गवर्नमेंट का एक वो है। अब हम चाहेंगे कि यूथ अपने घर में 2 चार्जिंग स्टेशन डायरेक्ट लगा दे और उसको रेवेन्यू हो, इस दृष्टि से हमने उसमें भी 50% सब्सिडी देने का प्रबंध किया। ये रोजगार से जुड़े, अब इतनी टैक्सियां हैं, उन टैक्सी को कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक टैक्सी 7 लाख की आती है, 8 लाख की आती है डीजल वाली। अगर हम अपने टैक्सी को कन्वर्ट करना है तो हमने कहा कि अगर 16 लाख की ई व्हीकल आती है, मैं आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैठ गया, 4 साल से सचिवालय में पड़ी, तो उसका इकोनॉमिक क्या बैठेगी। तो जब हमने टैक्सी की बात की तो पता किया कि 14 लाख की है, 16 लाख की है, 18 लाख की है। हमने कहा कोई बेचारा गरीब टैक्सी ड्राइवर 16-17 लाख रुपया खरीदने से भी डरेगा। हमने उसमें यह प्रावधान कर दिया कि 8 लाख की अगर 16 लाख की टैक्सी होगी तो 8 लाख रुपया परमिट जारी करके, ई टैक्सी का परमिट जारी करे, टैक्सी में परमिट जारी होगा, उसको हम 8 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे। यानी कि 16 लाख की टैक्सी 8 लाख में आ गई। अब वो अगर यहां से कुफरी जाना है, उसको शिमला से अगर कोई टैक्सी वाला कुफरी जाता है या नारकंडा जाता है तो उसको 1000 रुपए का आने जाने का डीजल या पेट्रोल लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाएगा तो सिर्फ 100 रुपया खर्चा आएगा, तो 900 रुपया उसकी जेब में भी चला गया। और वो जो टैक्सी है वो घर में 3 पिन से भी चार्ज हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए लाए गए हैं ताकि हम ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़े। ये मैं इतना विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें तो आंकड़े हैं। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है, और विभाग हमारे इलेक्ट्रिकल होने जा रहे हैं और जल्दी ये विभाग इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। और एलआईडीसी को पूरा इलेक्ट्रिकल करने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। फेज चैनल में जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिकल एचएसी की डिपार्टमेंट को, जिसको कि हम ये अपनी आय भी कमाते हैं, 400-500 करोड़ रुपया, 600-700 करोड़ रुपया अब आय भी कमाते हैं और 700 करोड़ रुपया सरकार इनको ग्रांट भी देती है, फिर भी हम नुकसान पर जाते हैं। लेकिन हम इसको फेज्ड मैनर में कैपेक्स और ओपेक्स मॉडलों पर काम कर रहे हैं। हम फेज्ड मैनर में 3-3.5 साल में इस पूरी एचएसी की फ्लीट को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? अभी हमने एक ग्रीन कॉरिडोर का टेंडर हमने कर दिया, बाकी सभी जगह आपको चार्जिंग स्टेशन ऐप पर मिलेंगे कि यहां चार्जिंग स्टेशन है, यहां चार्जिंग स्टेशन है, यहां चार्जिंग स्टेशन है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव हमने अपनी टूरिज्म पॉलिसी को लेकर किया है। टूरिज्म में पहले जो बजट होता था वो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ होता था। अब टूरिज्म कैसे बढ़े और टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाए। हम पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट बुलाते हैं, हम टूरिस्ट को हिमाचल में आते हैं, टच एंड गो करता, 2 दिन बाद चला जाता है। हमने कभी ये स्टडी नहीं किया कि टूरिस्ट यहां 1 हफ्ता क्यों नहीं रहता। जब हम ये स्टडी करेंगे कि 1 हफ्ता टूरिस्ट यहां रहेगा तो हमारी जीएसटी भी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे और सोर्स भी बढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे पास आज तक एक भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। हमने फैसला किया
कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को 3300 मीटर का बनाएंगे और उसके लिए भू ग्रहण किया जाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया गया। कुछ लोग तो जहाज में आ जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने शिमला जाना हो तो धर्मशाला के लिए हो गया, तो शिमला को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सोलन को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सिरमौर को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, इन सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को एक साल के अंदर कनेक्टिविटी के तहत हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। और आप एक डेढ़ साल बाद देखेंगे कि आपके हिमाचल प्रदेश में जहां ग्रीन कॉरिडोर में ग्रीन टैक्सियां चलेगी, ग्रीन बसें चलेंगे, ग्रीन ट्रक चलेंगे, वहां एयर कनेक्टिविटी में आपको पैसेंजर की तरह हेलीकॉप्टर के रूट एडवर्टीजमेंट की जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। आप हेल्थ सर्विसेज में जाइए, आप आईजीएमसी का उदाहरण ले लीजिए, हमने तो आंखों से देखा, एक बिस्तरे में दो दो पड़े हैं, तीन चार चार पड़े हैं, हमने उसको देखा। और स्कीम बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हमने उसका बनाया है, उसकी घोषणा की है, वो क्या है, कैजुअल्टी का नाम बदल कर है, वो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, यानी कि जब कोई पेशेंट आता तो पहले ही स्तर पर वो आता तो बेहोश ऐसे हो जाता कि वहां देखता कि इतना बुरा हाल है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें सुधार कर रहे हैं। पहले क्या सुधार होना चाहिए, पहले तो वहां जगह इतनी होनी चाहिए कि कैजुअल्टी में जो फर्स्ट पेशेंट आता है उसको अच्छा लगे कि मैं कैजुअल्टी में आया, ये नहीं कि एक बिस्तरे पर वो सोया हुआ, एक में वो रो रहा है तो दूसरे में दूसरी तरफ वो रो रहा है। उस दृष्टिकोण से फिर हमने उसमें सुधार किया, उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में 50 बेड का करने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर कितने होने चाहिए, एक दिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो बोलता मेरी 24 घंटे से मैं दिन रात यहां काम कर रहा हूं, मुझे फिर दो दिन की छुट्टी दी। अगर हम 6-7 घंटे हम लोग काम करते तो हम भी थक जाते हैं, वो तो बेचारे डॉक्टर है, उन्होंने तो पेशेंट एक जान बचानी है। हमने वहां डॉक्टरों की संख्या भी अधिक की, स्टाफ नर्स की संख्या अधिक की, पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया, स्टाफ नर्स और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया, और इस दृष्टि से हमने उसको मेडिकल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश की। हम टेक्नोलॉजी के मामले में अभी 20 साल पीछे, अगर आप चंडीगढ़ जाएं, कहीं और जाएं, दिल्ली जाएं, एम्स में जाएं, तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। हमने प्रयास किया कि पहले चरण में हम जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि आज ऑपरेशन की डेट कब मिलती है आपको, 2 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, 4 महीने बाद मिलती है, 5 महीने बाद मिलती है, हमने कहा कि ऐसा माध्यम बनाया जाए, तो हमने कहा कि रोबोटिक सर्जरी जो ज्यादा पेशेंट यूरोलॉजी के होते हैं, कार्डियो के होते हैं और चीजों के होते हैं, उसको मजबूत किया जाए। उसमें कौन सी चीज की जरूरत है, रोबोटिक सर्जरी की। हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए बजट में प्रावधान कर दिया और आने वाले आप समय में देखेंगे जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो जाएगी। हर जगह हम पीसी खोल देते हैं और वहां भी डॉक्टर नहीं होता, कभी कंपाउंडर होता, कभी कुछ होता। हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम ऐसा संस्थान तो बने जो आने वाले समय में हमें बीमारी का बता सके, ताकि ट्रांसफर कर सके। पीएससी से बीमार होकर आप सीएससी में आते हैं, सीएससी से बीमार होकर आप शिमला में पहुंचते, शिमला के बाद आप पीजीआई में होते, तब तक आदमी की बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार मेडिकल टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। हॉस्पिटल है आपके, बनते नहीं है, अधूरे चले हुए, किसी की बिल्डिंग बन रही है, उस दृष्टिकोण से भी हम सारे मेडिकल कॉलेज को समयबद्ध तरीके से तय करेंगे। ये जो बजट है ये दिशा तय अगले 5 वर्ष की कर रहा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। बाकी तो जो दिन प्रतिदिन की प्राथमिकताएं वो तो चली जाएगी। आपको पता आपको किस प्रकार का पानी पीने को मिलता है, आपने कभी कल्पना की है, आपके पेट कई बार खराब होते हैं, आपके चेस्ट कई बार जम जाते हैं, आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो हमारी पुरानी प्रक्रिया, उस तरह से हमें पानी पीने को मिलता है। हमने पाया कि उसमें सुधार की जरूरत है। लेटेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी को अल्ट्रावायलेट किरणों से हमने उसको बदलने के लिए, हमने पीने के पानी को के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है जो आने वाले, ये नहीं है कि आज मैंने बोलर कर पैसे का इंतजाम कर दिया, अब इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे।
विधवाएं होती है हमारे, मैं सोशल सिक्योरिटी की बात, विधवाएं होती है गांव में, विधवाएं होती है, एकल नारी होती है। अब विधवा जो होती है कई बार वो अकेली रहती है समाज में, उसके पास कई बार रहने को घर नहीं होता है, किसी की दया दृष्टि पर रहती है। हमने 7,000 विधवाओं को, 7,000 विधवाओं को घर बनाने के लिए एक वर्ष के भीतर पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 7,000 विधवाओं को हरेक विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो कोई महिला विधवा ना हो, पर हरेक विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी होती है, एकल नारी होगी या विधवा होगी, उसको हमने 1.5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया। यही नहीं, आपके गरीब बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो 4% लोन पर रहते हैं। पिछले कल एक बेटी मुझे मिली, वो नर्सिंग कर रही थी कि मुझे तो 2.5 लाख रो पड़ेगी, 2.5 लाख रुपए का मुझे लोन देना पड़ता है और 4% है, मैं तो ब्याज भी नहीं दे पाऊंगी। हम चाहते तो मुफ्त में दे सकते थे उनको, लेकिन हम उन्हें एक जिम्मेवार इंसान भी बनाना चाहते हैं समाज का, और उसको एक प्रति कर्तव्य भी रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने जितने भी हिमाचल प्रदेश के गरीब बच्चे होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी भी लेवल पर करनी होगी, हमारी सरकार 1% की दर से, जैसे प्लस टू के बाद कई बार कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई कुछ बनता है, 1% की ब्याज की दर से। वो भी इसलिए लगाया कि उनको ये बोझ रहे, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान रहे कि मैंने लोन लिया, कल ये ना हो जाए कि मैं मुफ्त में ही पढ़ रहा हूं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ना ही छोड़ दूं सरकार। तो उसके कंधों पर ये रहे 1% लोन के हिसाब से उसकी पढ़ाई का और हॉस्टल के खर्चे का पूरा भान सरकार करेगी। सर हाँ जी, टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है आपके बजट में? मेरा ये मानना है जब ये योजनाएं लागू होंगी, अब 10,000 टैक्सी वाले आते हैं, 300 बस वाले आते हैं, 300 ई ट्रक वाले आते हैं, 200 सौर ऊर्जा वाले आते हैं, तो कैलकुलेट करके हमारा अंदाजा है कि इस साल हम 50,000 के करीब अंदाजन है हम बजट को जनरेट कर, एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट और टोटल और प्राइवेट सेक्टर में लगे 90,000 के करीब हमने टारगेट किया इस साल 90,000, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, क्योंकि हमारी सरकार अभी 3 महीने में दिशा तय कर रही है। उद्योगपति आएंगे उसमें रोजगार मिलेगा, कितने उद्योग लगाएंगे उसमें रोजगार मिलेगा, इस दृष्टि से। तो मैं जो गरीब कल्याण कोष की बात कर रहा था, ये तो बीच में इन्होंने सवाल कर दिया, पर मैंने इनका सवाल दे दिया, बाद में आप जितने मर्जी सवाल है पूछना। तो इसकी योजना के तहत 1% ब्याज पर मैं आपका बता दूं, 1% ब्याज के तहत आपको ये मिलेगा। इसी तरह हमने योजनाओं को, जो नदी के किनारे वाले लोग व्यक्ति है, मत्स्य पालन से के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें 80% हमने क्यों सब्सिडी दी? हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मेरे ने ये लगाना है पर इतने पैसे खर्च होंगे। जब उसको 80% सब्सिडी मिलेगी तो मत्स्य पालन में एक साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी, एक साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। जब पानी वाले क्षेत्र है वहां ये योजना चलेगी। किसानों को हम जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे 2% के हिसाब से ब्याज दर देंगे। तो ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में और गांव और शहर के अंतर को कम करने के लिए। दूध उत्पादन में हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले उसकी टेक्नोलॉजी को हाई एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा, उसको हम विकास कर रहे हैं, और ये अनुभव की हुई चीजें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये अनुभव की हुई चीजें हैं जो इस बजट में आपको दिखाई गई है। ये कोई सवाल जवाब नहीं है, खुद से व्यक्तिगत तौर से हमारे को जो हमारे साथी है अनुभव करके लाए हैं, और इसका लाभ आप देखेंगे। और आप भी समझते हैं कि आज घरों में जो कई पत्रकार बंधु है जो घर की जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि आप रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं और यहाँ 10,000 और 20,000 रुपए लेके आपको धक्के खाने पड़ते हैं। जब आप 2 मेगावाट में और 4 बीघे में अपनी जगह लगाओगे तो महीने साल का 15 लाख रुपए पाओगे और सरकार की बिजली सरकार खरीदेगी। इस तरह से इस सोच को आगे विकसित करना है। अगर हम इस सोच को आगे विकसित नहीं करेंगे,
तो आप सरकारी रोजगार में 10 साल तो पैरा फिटर और पैरा रह सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण आपका बदल नहीं सकता। ये मैंने कुछ एक योजना आपको बताई है। और इस योजना के अलावा हमने सोशल सिक्योरिटीज में मनरेगा की दिहाड़ी पहली बार, मनरेगा में पहली बार 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। 28 रुपए शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन में कैसे इम्प्रूव हो, प्री नर्सरी से लेकर डे बोर्डिंग स्कूल की कल्पना इस बजट में की गई, बजट का प्रावधान किया गया। और सारी चीजें आप जो पूछना चाहते हैं एक वन बाय वन सब पूछ सकते हैं। आप पूछो। बहुत बढ़िया। एक आपने ग्रीन कॉरिडोर की बात की और जो सरकारी व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, बसें की बात की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख ऐसे प्राइवेट लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के बारे में आपने क्या सोचा? वो अभी दिशा तय करेंगे। नहीं, सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन होगा, इसको बिजली बोर्ड जो है वो यूनिट से खरीदेगा या उसको वहां तक पहुंचाना? नहीं, देखिए यही मैं आप बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जो सौर ऊर्जा से जो गांव का हमारा जो प्रोजेक्ट लगाएगा वो 11 केवी की जो घर की लाइन है उस पर भी बिजली चली जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है, तो बिजली बोर्ड उसको खरीदेगा। और बिजली बोर्ड जब उसको खरीदेगा, आज के हिसाब से जो टैरिफ है रेगुलेटरी कमीशन ने फिक्स किया, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने फिक्स किया है, वो 3.88 रुपए 4 रुपए हो जाएगा। तो 15 लाख यूनिट हमारे साल के 1 मेगावाट में होते हैं। अगर 250 किलोवाट करोगे तो उससे 15-16 लाख रुपया आपको साल की इनकम होगी 4 बीघे यानी कि 8-10 करनाल में। पर यूनिट खरीदी जाती है, जहाँ वो लगाएगा सौर ऊर्जा या उसको वहाँ तक लाइन, नहीं उसको ट्रांसमिशन लाइन तक देना पड़ेगा। सर महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात, मापदंड क्या रहेंगे? नहीं, अब जब हमने कही है तो हमने पहले फेज में 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपए दिया, अभी 5 फेज आएंगे इसके अपडेट अकॉर्डिंग टू, उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। मेरा एक प्रश्न और है, स्क्रैप पॉलिसी ला रहे हो आप, क्योंकि ग्रीन के साथ जो जितनी भी बसेस होंगी और ट्रक्स होंगे उनका क्या होगा? वो तो स्क्रैप पॉलिसी हमारे उद्योग मंत्री ने बोला है और कहा कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। सर बजट में 100% में से आप 26% दे रहे हैं कर्मचारियों को और 16% है पेंशन के लिए, सर 42% से कर्मचारियों पर है, तो विकास के लिए कितना? जो भी हमारे पास है ना उसके अनुसार विकास किया जाएगा। बजट स्वागत योग्य है, लेकिन एक बात कि कोई भी बजट धन पर आधारित हो, धन कितना होगा कैसे, ये संदर्भ में मेरे को पिछला वर्ष अभी आप लगातार हर मंथ के लिए अभी आप सवाल बताइए। मैं उसी कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड इसलिए ताकि वो सबको क्लैरिटी हो, स्टेट के फाइनेंशियल पोजीशन कठिन है, ये सारा लगातार ऐसे हालात अभी 13,000 करोड़ का आप सप्लीमेंट्री खरीदना, ये शायद अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री। 51,000 का बजट पेश हुआ, 54 का पास हुआ, 13,000 के सप्लीमेंट्री आकर आपका साथ 67,000 आज आप 53,000 का बजट दे सकते हैं, ये करामात कैसे हुई? ये सप्लीमेंट्री में 6,000 जो है ना वो बैलेंसिंग एंट्री है, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, और जो आप कंक्लूजन ड्रॉ किया वो करेक्ट नहीं है, वो आपसे अलग बात करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, सप्लीमेंट्री लोन का बर्डन इस समय हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ के लगभग है। माय क्वेश्चन इज, आराम आराम से पूछेंगे। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था सर, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर -20% शो किया है, मतलब डाउन शो किया है, और अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर दिया है 10%। हम करेंगे।